हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेट थ्योरी। हमारे 11th क्लास मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी, उसके क्वेश्चन। देखिए, आपने हमारा सेट थ्योरी का फर्स्ट वीडियो देखा होगा, तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में सेट थ्योरी के पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए हैं। और ये बात मैं अपने मैथमेटिक्स के क्लास में अगेन एंड अगेन रिपीट करता हूँ कि आप किसी भी चैप्टर को किस तरह से पढ़ेंगे, पहले आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए। फर्स्ट वीडियो में मैं पूरे उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और उसके बाद फिर मैं उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराता हूँ। तो आपको मैंने सेट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट इसके हम फर्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट पूरे फंडामेंटल क्लियर कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेट एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.1। देखिए, हमारा जो पहला एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज है, ये बहुत इजी है, लेकिन यह सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट पर है। इजी होने के बाद भी बहुत से क्वेश्चन तो वन वर्ड आंसर हैं, तो इजी होने के बाद भी ये आपको इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि जब तक आप ये एक्सरसाइज आप अच्छे से नहीं करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो मैं वन बाई वन एक एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। देखिए, और मेरे राइट साइड में वो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा और लेफ्ट साइड में मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सबसे अपन पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप वहाँ से क्वेश्चन देखते जाइए, मैं तो बुक से उसको आपको रीड करके बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, सेट, इससे पहले कि मैं आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर बात करूं, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल पर आपको और बात करता हूं, मैं उसको रिवाइज कराता हूं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन के एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट पर पहले फोकस करें। इसलिए मैं क्वेश्चन कराने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में यह चीज़ पढ़ाया हुआ है कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज सेट? तो सेट का डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन हो जिसके जो एलिमेंट्स हों, जो ऑब्जेक्ट हों, वो वेल डिफाइंड हो, मतलब उनका कोई मीनिंग हो, कोई सेंस हो, तभी वो सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। तो ये आपको पता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड, मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंटेशन ऑफ सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो कहलाता है रोस्टर, और इसी को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने ए इक्वल टू यहां पर एक सेट लिखा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो नंबर लिखे गए हैं जो कि इवन नंबर है, और उनके पूरे एलिमेंट्स को हम एक एक कॉमा करके लिखे हुए हैं। तो किसी भी सेट को इस फॉर्म में लिखना इसका रोस्टर फॉर्म कहलाता है, या हम इसको इसका टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। और यदि मैं इसको, इसका सेकंड टाइप है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, यदि इसी सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से लिखूंगा ए इक्वल एक्स सच दैट। मतलब यहां पर हमको यह बताना है कि एक्स एक वेरिएबल है और सच दैट मतलब इस तरह से है, इस प्रकार से है, क्या एक्स इज ए इवन नंबर। अब आप यहां पर देखिए, ये दोनों एक ही बात है। यहां पर हम 2, 4, 6, 8 लिखे हुए हैं जो कि क्या है, रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यदि इसी चीज को हम इन वर्ड इस तरह से लिखें ए इक्वल द सेट ऑफ एस एक्स सच दैट
एक्स इस प्रकार है, एक्स इज ए इवन नंबर, तो इस फॉर्म में लिखना उसका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। अभी आपको एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। और इस फॉर्म में क्या कहलाता है, उसका रोस्टर फॉर्म कहलाता है। और सेट का डेफिनेशन क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड वर्ड को आप ध्यान में रखिए, जो वेल डिफाइंड होगा, क्लियर, वेल डिफाइंड, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज सेट। तो यदि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए फिर हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप रीड करिए, मेरे राइट साइड में क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और वन बाय वन मैं इसका आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते जाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बुक से आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेट ए इक्वल टू, कि हमारे जो 12 मंथ होते हैं उसमें ऐसे मंथ के नेम जो क्या हो, जे से स्टार्ट होते हो। तो नेचुरली आपको पता है कि ये सेट होगा कि नहीं, सेट होगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, थ्री मंथ। तो ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है। तो फर्स्ट इज सेट, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन यस दिस इज सेट। क्यों सेट हुआ वो, क्योंकि उसमें जो कंडीशन दिया है कि जो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ हैं उनके नाम तो वेल डिफाइंड है वो, क्लियर। अब वन बाय वन आप वहाँ क्वेश्चन को रीड करते जाइए, मैं आपको बस यस आर नो बताते जाता हूँ। सेकंड नंबर देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये सेट नहीं है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया में 10 टैलेंटेड राइटर्स आप अपने हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते। ये 10 टैलेंटेड उसका कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है, कोई मापदंड नहीं है कि आप इस राइटर को आप टैलेंटेड राइटर कह सकते हैं। तो दिस इज नॉट डिफाइंड कलेक्शन, ये डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए क्या है, सेट नहीं है। हरी बात समझ में, ये सब क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग फॉलो करे, अदरवाइज सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको सेट थ्योरी की स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है प्रॉपर करा देता हूँ। देखिए थर्ड नंबर देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आप 10 बेस्ट बैट्समैन आप नॉट डिफाइन है वो, उसको भी आप क्या है सेलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे आप राइटर सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट सेट, ये भी सेट नहीं है। मैंने पूरे क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, वेल डिफाइंड है कि आपके क्लास में, मेरे क्लास में कितने बॉयज बैठे हैं ये तो मैं बता सकता हूँ। तो दिस इज सेट, यस दिस इज सेट। फिफ्थ नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से लेस देन, आप क्वेश्चन देखिए कि 100 से लेस देन जो नेचुरल नंबर हो तो वेल डिफाइन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मतलब ये सेट का डेफिनेशन है, ये जो पहला क्वेश्चन है वो डेफिनेशन ऑफ सेट पर बेस्ड है। तो ये एक एक क्वेश्चन आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, दिस इज ऑल्सो सेट, क्योंकि जो इवन इंटीजर्स हैं उसका कलेक्शन क्या है, डिफाइन है। तो ये सब क्या है, सेट हैं। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बताने का हमारा सीधा मतलब ये है कि आपको ये जानना कि किस कलेक्शन को आप सेट कहेंगे, किस कलेक्शन को आप सेट नहीं कहेंगे। तो जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेट होंगे, और जो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं होंगे वो सेट नहीं होंगे, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू आप बोर्ड में रीड करिए, मैं आपको बुक से बताता हूँ। देखिए ये लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, अपने पास एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एक सेट है। अब यहाँ पर ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन में आपको बोलता है
कि इसमें से किस रिलेशन में बिलोंग्स का साइन आर नॉट बिलोंग्स टू का साइन आपको लगाना है। तो पहला नंबर इसका क्वेश्चन क्या है, सेकंड का फर्स्ट फाइव, इसके बाद दिया है ए, मतलब यहाँ पर ये जो ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको लगाना है कि बिलोंग्स का साइन होगा कि नॉट बिलोंग्स का साइन होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि फाइव इज द एलिमेंट ऑफ, ये फाइव क्या है, ए का एलिमेंट है, तो किसका निशान लगेगा यहाँ पर, बिलोंग्स का। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन से आपको कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि कोई भी एलिमेंट जब किसी सेट का मेंबर होता है तो वह बिलोंग्स टू होता है, और जब उसका मेंबर नहीं होता नॉट बिलोंग्स टू होता है। क्लियर। अब एक एक करके फटाफट देखते जाइए, एट, एट देखिए इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप थर्ड, जीरो, जीरो नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। फोर देखिए, फोर ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में देखिए टू, बिलोंग्स टू ए। एंड सिक्स नंबर इज टेन, बिलोंग्स टू, सॉरी नॉट बिलोंग्स टू ए, टेन इसमें नहीं। बहुत आसान। क्लियर। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, यदि इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आगे चल के प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ, अदरवाइज आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे बोर्ड में डिस्प्ले हो रहा है, आप वहां से देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अभी आपको मैंने बताया कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए इक्वल एक्स सच दैट x is an integer between minus 3 is less than, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, बाकी वहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ये अब ये कैसे बनेगा देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये है किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको चेंज करना है किसमें, रोस्टर। और मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, उसके एलिमेंट्स के साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म यदि हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स कैसा है, एक इंटीजर है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है, बिटवीन माइनस थ्री टू सेवन। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए, माइनस थ्री इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन सेवन, नॉट इट इंक्लूडिंग माइनस थ्री एंड सेवन, इस माइनस थ्री और सेवन इंक्लूड नहीं होगा, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। तो इसका सेट कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस थ्री उसमें शामिल नहीं होगा, तो माइनस थ्री के बाद का नंबर क्या होगा, यहाँ पर स्पेशल केयर करना, कई लोग यहाँ पर गलती से माइनस थ्री से पूरा सेवन तक लिख सकते हैं, तो माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, नॉट सेवन। इसका मतलब होता है बिटवीन माइनस थ्री एंड सेवन, एक्सक्लूडिंग माइनस थ्री एंड सेवन, माइनस थ्री और सेवन को छोड़ के उसका बिटवीन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। तो ये आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। अब मैं एक एक करके इसके आपको आंसर बताते जाता हूँ, देखिए आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं मेरे बोर्ड से, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। सेकंड, बी इक्वल टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, एक्स इज नेचुरल लेस देन नंबर लेस देन सिक्स, तो कितना हो जाएगा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से ना, कि वन से, वन से, ठीक है। तो वन से कहाँ तक, लेस देन सिक्स, तो क्या हो जाएगा सेट इसका, वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो जाएगा। क्लियर। नाउ थर्ड इज, ये बी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर में, आप बी देखिए। नेक्स्ट सी, सी क्या बोलता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए, वहाँ ऑपरेट कर लीजिए, एक्स इज ए टू डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट, मतलब क्या है, टू डिजिट नंबर है और दोनों का सम कितना आना चाहिए, एट आना चाहिए, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वन से स्टार्ट करें तो कितना हो जाएगा, वन सेवन,
क्लियर। ये 17 होगा माने 17, सीधा उसको अपन लिखेंगे क्या, टू डिजिट नंबर 17। टू से करें तो 26, दोनों का सम कितना आ रहा है 8। थ्री से करें तो 35, फोर से करें तो 44, क्लियर। फाइव से करें तो 53, और सिक्स से करें तो 62 और 71, और एक एलिमेंट हो जाएगा 80। ये देखिए, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, वो वहाँ पर लिखा हुआ है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, और उसको हम किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो जो कंडीशन वहाँ पर दिया है, बोलता है एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है कि टू डिजिट नंबर में दोनों डिजिट को हम सब करें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये सेट बन गया इसका, क्लियर। इस तरह से ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझते जाना है। नेक्स्ट इसका देखिए, फोर्थ नंबर डी, इसके क्या कंडीशन दिए हैं, आप वहाँ से रीड करिए। x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। x इज ए प्राइम नंबर, बोलता है x एक प्राइम नंबर है, लेकिन क्या हो, किससे डिविजर हो, 60 को पूरा डिवाइड करता हो। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, तो 2 60 को डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 4 नहीं करता, 5 करता है, क्लियर। तो ये हो जाएंगे 2, 3, 5। तो ये कुछ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर्स हैं जो 60 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसको आप ध्यान देंगे, यहाँ पर ये मैं इरेज कर देता हूँ, और आप फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को मेरे बोर्ड से रीड करिए। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो सेट क्या बनेगा, देखिए टी आर आई जी ओ, अब देखिए एन, ये हुआ टी आर आई जी ओ एन, इसके बाद ओ आता है, तो यहां पर रिपीट लेटर्स नहीं लिखना है, आप ध्यान रखेंगे। जैसे हम यहां पर ओ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए एक बार आ चुका है, ठीक है। इसके बाद M, तो M नहीं आया है, तो M का लिखेंगे M। E आ चुका है, नहीं आया है E, और T R Y, तो T आ चुका है, R आ चुका है, Y नहीं आया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। मतलब ट्रिग्नोमेट्री वर्ल्ड में जो लेटर्स यूज किए गए हैं उनका सेट इस तरह से हो जाएगा ये। और सिक्स नंबर को आप देखिए, एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन है ये भी। एफ इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, बी होगा, ई होगा, एक सिंगल टी होगा, ई आ चुका है, और आर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि आप जब भी कोई सेट बनाएंगे तो एलिमेंट्स क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। जहाँ जैसे यहाँ पर ओ रिपीट हो रहा था, हमने दोबारा उसको नहीं लिखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सीखा कि किस तरह से हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जस्ट अपोजिट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। फोर नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या करना है अपने को, ये है आप क्वेश्चन वहां पर देखिए डिस्प्ले हो रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को लिखना है क्वेश्चन, जो सेट दिया है उसको दिया किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, क्लियर। तो फर्स्ट नंबर, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3, 6, 9, 12। तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 3, 6, 9, 12 एक्स सच दैट, 3, 6, 9, 12 मतलब क्या है, वो 3 का कोफिशियंट है, मतलब 3 का मल्टीपल है, क्लियर। तो x, यहां पर x इज ए नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर होगा, वेयर x इज मल्टीपल ऑफ 3, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि 3 तो 3 का मल्टीपल है, 6 है, फिर 9 है, मतलब जो आपको वहां पर
रोस्टर फॉर्म में देना है उसको इस फॉर्म में लिखना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, 2, 4, 8, 16, 32। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, 2 के पावर में बनेगा, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सपोज मैंने b रिप्रेजेंट किया तो x such that x belongs to n, मतलब x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power n, या n belongs to n कह सकते हैं आप, 2 to the power n, where n is less than or equal to, अब देखिए लास्ट नंबर क्या है, 32 है, तो लेस देन आर इक्वल टू 5, क्योंकि यदि ये 5 से ज़्यादा हुआ तो वैल्यू 32 से ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर। तो x such that n belongs to n, n इज ए नेचुरल नंबर वेयर n इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ये इसके हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप पढ़िए, ये है नंबर 525, 125, 625, सेम क्वेश्चन हो गया, दैट मीन्स c इक्वल टू x सच दैट, अपन कह सकते हैं 2 to the power, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 to the power n, सॉरी 2 नहीं 5 के पावर पर बन रहे हैं, 5 to the power n, वेयर n इज लेस देन इक्वल टू लास्ट नंबर क्या है 625, मतलब 5 का पावर कितना होगा 4, तो 625 आएगा, ये फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा लिख सकते हैं। इस तरह से जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है उसको हम इस फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, ये मैं स्टार्टिंग में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। आप नेक्स्ट 4 नंबर में क्या कंडीशन दिया है, 2, 4, 6 नेचुरली क्या है वो, x सच द इवन नंबर, x इज ए इवन नंबर, क्योंकि 2, 4, 6, 8 सब क्या है, इवन नंबर है, तो आपको एग्जांपल में भी बताया था मैं। और फिफ्थ नंबर में, फिफ्थ में क्या कहता है देखिए, किस कंडीशन में दिया हुआ है, 1, 4, 9, 100, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1, 4, 9, 100, क्लियर, 1, 4, 9, 100, तो किस फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको, 1 का पावर 2 लिख सकते हैं आप, और 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 to the power 2 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हो जाएगा x such that, ये मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये एक नेचुरल नंबर है, तो n का स्क्वेयर, x such that n square, ठीक है, और कहाँ तक है ये नंबर, 10 तक है, तो 10 तक है, मतलब यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर एवरी, या आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, n इज लेस देन आर इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पर पावर कहाँ तक हो सकता है, 10 का पावर 2 होगा तो 100 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है 1, लास्ट नंबर है, तो इस तरह से हम क्या है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसा हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब यहां पर भी क्या कर रहे हैं आपको, एलिमेंट्स को लिखना है, दैट मीन्स क्या कर रहे हैं इसको आपको चेंज करना है, फिर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, समझ लीजिए आप इसको, ये तो आसान क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, समझ लीजिए फिफ्थ का फर्स्ट, इसको आप बना सकते हैं, ए सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा 1, 8, 1, 3, 5 एंड 1, ये लिख लेंगे आप, तो सारे क्वेश्चन को आप रीड करिए, उसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, फिफ्थ सेकंड, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर बिटवीन -1/2 to 9/2, बी इक्वल टू -1/2, ठीक है, -1/2 से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ तक जाना चाहिए इसको, 9/2, मतलब 4.5, तो क्या हो जाएगा, 0 से 4 तक हो जाएगा,
जीरो वन टू थ्री फोर, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसको माइनस वन बाई टू से, माइनस वन बाई टू से बिटवीन होना चाहिए किसके, फाइव, ये दोनों के बीच के। तो माइनस वन बाई टू के बाद बड़ा नंबर क्या आएगा, जीरो से लेकर फोर तक। इस फॉर्म में इसका आप इसको चेंज कर सकते हैं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द नंबर हुज एक्स इज इंटीजर एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू फोर। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर मतलब एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टू। तो इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में अपन बनाएंगे, इस फॉर्म में बनाएंगे, तो सी इक्वल टू माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, मतलब माइनस टू से कहाँ तक, टू तक। क्लियर? नाउ फोर इज, ये तो बस रिपीट है, समझ लीजिए। एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, एल ओ वाई एल, तो एल ओ वाई एल, ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये तो अभी बताया इस तरह का क्वेश्चन में, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो जिस जिस मंथ में 31 डेज नहीं होते उनका सेट बनाने बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फरवरी में नहीं होता, अप्रैल में नहीं होता, फरवरी मार्च अप्रैल मई में होता है, जून में नहीं होता, जुलाई में होता है, अगस्त में होता है, सितंबर में नहीं होता, अक्टूबर में होता है, और किस में नहीं होता, नवंबर में नहीं होता। तो ऐसे मंथ का सेट जो 31 डेज के नहीं होते, तो इनका सेट हो गया। नेचुरली आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से क्या है रोस्टर को उसमें सेट बिल्डर उसमें चेंज करते हैं और कुछ नहीं इसमें। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो फाइव क्वेश्चन आपने देखा और सिक्स नंबर क्वेश्चन तो मैच द कॉलम, उसको आप बना सकते हैं। तो 1.1 एक्सरसाइज है, वो बहुत ही आसान है और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और एक्सरसाइज 1.2 के पूरे क्वेश्चन ओरल है के क्लाइंट के, उसको भी आपको बता दूँ ताकि आपका फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, तो आप आगे उसको अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.2 में चले आइए और इसके भी क्वेश्चन आपको मैं बता दूं। एक्सरसाइज 1.2 देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, ये ओरल है इसलिए मैं आपको फटाफट दो दो लाइन में करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड में आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है और इसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन कौन सा नल सेट है, मतलब एम्प्टी सेट है, कौन कौन सा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं, वहाँ से आप देखिए। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू, तो ऐसे नेचुरल नंबर जिनका जो नंबर टू से डिविजिबल हो जाए, तो डिफाइन है मतलब उसके नंबर आपको मिलेंगे, तो क्या होगा वो, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। क्लियर? तो बताइए ये फिर होगा कि नहीं। पढ़िए आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू। तो नेचुरल नंबर के सेट पूरे के पूरे जो टू से डिविजिबल हो जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे नेचुरल नंबर टू से डिवाइड नहीं हो सकते। सेंटेंस को थोड़ा ध्यान देंगे ना, क्या लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू, तो ऑल नेचुरल नंबर्स टू से डिवाइड नहीं हो सकते। तो फर्स्ट नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, यस, मतलब ये क्या है, नल सेट है ये, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, तो फर्स्ट ये एग्जाम्पल है उसका नल सेट का। क्लियर? सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स इवन होते हैं, एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, होते हैं, ओनली टू इज लोवेस्ट प्राइम नंबर, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब इसमें हम क्या लिख सकते हैं,
टू, अदरवाइज ऐसा सुनने से कैसा लगता है कि इवन नंबर कैसे प्राइम नंबर होंगे, बस टू इज प्राइम नंबर, लोएस्ट प्राइम नंबर। तो ये सेट है, मतलब नल सेट नहीं है, क्योंकि सेट का एलिमेंट है, जिस सेट का कोई एलिमेंट ना हो वही क्या होगा, नल सेट है। मैंने इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, नल सेट अपने को डिटरमाइन करना है, क्लियर। नेक्स्ट, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 और x लेस देन 7 इम्पॉसिबल है। कोई ऐसा नंबर जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, 5 से बड़ा हो 7 से छोटा हो, पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, ये भी नल सेट है, यस ये भी नल सेट है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, मतलब ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। क्या कहता है कि ऐसा पॉइंट जो दो कॉमन, दो पैरेलल लाइन में कॉमन हो, इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये भी क्या हो जाएगा, यस ये भी नल सेट होगा। टू पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि टू पैरेलल लाइन तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं है। तो ये भी नल सेट का एग्जाम्पल है, मतलब ये छोड़ के ये सब नल सेट के एग्जाम्पल है। और लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छा ये तो लास्ट है, 4 क्वेश्चन है इसमें, तो समझ में आ गया आपको। यहाँ पर हमको सिर्फ ये देखना कि कौन नल सेट है कौन नहीं है। तो फर्स्ट नल सेट है, थर्ड नल सेट है और फोर्थ नल सेट है, सेकंड नहीं है क्योंकि इसके एलिमेंट है क्या, 2। तो एक एक लाइन का ओवरऑल आंसर है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर टू को रीड करिए आप, बोर्ड से रीड करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट, तो मैं एक एक करके रीड करके ओरल आपको बताते जाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़िए, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर विच आर द फर्स्ट सेट ऑफ फाइनाइट, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, फर्स्ट फाइनाइट है। फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या हमने पढ़ा था, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, निश्चित हो। तो फर्स्ट फाइनाइट है, क्योंकि वन ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं, फाइनाइट है, निश्चित है। नेक्स्ट 1, 2, 3 एंड सो वन, नेक्स्ट में बोला गया है क्या, ये सेट इस तरह से है 1, 2, 3 एंड सो वन, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो क्या है ये इनफाइनाइट है, क्लियर। तो यहाँ पर फाइनाइट और आपको इनफाइनाइट सेट को डिटरमाइन करना है। 4 नंबर आप बोर्ड से देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ये भी फाइनाइट है, क्योंकि ग्रेटर देन 100 तो फिक्स है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से लेस देन जितने प्राइम नंबर है वो भी क्या है, निश्चित है, तो वो भी फाइनाइट है, मतलब थर्ड नंबर भी फाइनाइट है और फोर्थ नंबर भी क्या है, फाइनाइट है। तो ये सब वन वर्ड आंसर हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हैं, ये सब क्वेश्चन करने से आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पूरे सेट के टाइप्स और पूरा जो कुछ भी पढ़ाया था, वो सब कॉन्सेप्ट का यहाँ पर एप्लीकेशन है, यूज है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्चुअल में सेट थ्योरी का जो चैप्टर है वो बहुत ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन एक एक लाइन के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट, वहाँ से पढ़िए आप, स्टेट वेदर इज ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट आर इनफाइनाइट, तो सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट बता देता हूँ, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब क्या है इसका मतलब, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस के पैरेलल कितने लाइंस हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 कहाँ कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस हो जाते हैं। तो पहला आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, क्लियर। सेम क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट 26 हैं, क्या है वो, फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं हम काउंट नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा वो, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट 4, बाकी क्वेश्चन आप देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेयर ए इक्वल टू बी आर नॉट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन से मैं आपको सब क्लियर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इक्वल सेट इस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। इक्वल सेट का पूरे क्वेश्चन का आप 4 का देखिए और आप डिटरमाइन करिए कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं। तो एक बार मैं आपको समझा दूं, इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है,
ए इक्वल टू बी, मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए और सेम टू सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, तब दो क्या होते हैं इक्वल सेट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, 4 का फर्स्ट में यहाँ एलिमेंट है, आप वहाँ पर बोर्ड में देखिए ए बी सी डी और बी में क्या है डी सी बी ए, ऑर्डर्स बस अलग अलग हैं, बाकी दोनों में सेम एलिमेंट है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ए इक्वल टू बी है। सेकंड देखिए, सेकंड में ए इक्वल टू क्या है 4, 8, 12, 16, वहाँ है 8, 4, 16, 18, मतलब यहाँ पर 12 एलिमेंट दोनों में नहीं है, 18 एलिमेंट दोनों में नहीं है, तो सेकंड क्या है ए इज नॉट इक्वल सेट ऑफ बी, क्लियर। एंड थर्ड 2, 4, 6, 8, 10, और वहाँ पर किस फॉर्म में दिया, रोस्टर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो सही है, यहाँ पर उसको एक तरफ उसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और एक तरफ आपको क्या है रोस्टर फॉर्म में दिया है, दोनों सेम चीज़ है, तो ये भी क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी। नाउ फोर इज ए एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और राइट साइड में क्या दिया है 10, 15, 20, 25, मल्टीपल ऑफ 10 बोलता है, लेकिन 15, 25 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10, तो ये क्या हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी। मतलब यहाँ पर आपको ये पहचानना है कि कौन से दो सेट इक्वल सेट हैं और कौन से इक्वल सेट नहीं है, तो इक्वल सेट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैं इसमें आपको पूरे क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट तो प्रॉपर क्लियर रहे, फिर बाद में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ देखिए क्वेश्चन, आप आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अच्छा, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका 5 को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है ए इक्वल टू 2, 3 एंड बी इक्वल टू ये है एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन, वहाँ लिखा है आप देख लीजिए, मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि सेट ए और बी सेट इक्वल सेट है कि नहीं है करके, तो क्या होगा ये 2, 3 क्या है, ये x के वैल्यूज हैं, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x के 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्लियर, यहाँ पर इसके 2 वैल्यू फाइंड करेंगे, और यदि इसके 2 वैल्यू यही वैल्यू हुए 2, 3 हुए तो क्या होगा, दोनों ए बी इक्वल सेट होगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू आएगा वो 2, 3 नहीं होगा, तो फिर वो इक्वल सेट नहीं होंगे, तो आप इसको फैक्टराइज करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको जितना मेथड आता है उसको सॉल्व करके देख लेंगे। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स क्या कि यदि ये इसका सॉल्यूशन है, यदि 2, 3 इसका सॉल्यूशन है तो 2 और 3 को क्या करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ऐसे ही दिख रहा है नॉट सेटिस्फाइड, क्यों, क्योंकि पूरे पॉजिटिव हैं और 2 का वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो सम होकर 0 तो पॉसिबल नहीं है, आप वार ही बात समझ में ना। एक तरीका मैंने क्या बताया कि आप इसको फैक्टराइज करिए और x का वैल्यू फाइंड करिए, यदि वो वैल्यू 2 और 3 आते हैं तो इक्वल सेट, नहीं आते तो इक्वल सेट नहीं है, तरीका ये है। दूसरा मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ कि 2 और 3 से इसको सेटिस्फाई करके देखिए रिलेशन को, यदि उसको सेटिस्फाई करेगा तो उसका सॉल्यूशन है, तो नॉट सेटिस्फाई, तो हियर ए इज नॉट इक्वल टू बी, दोनों इक्वल सेट नहीं है, क्लियर। और इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलो और डब्ल्यू ओ, तो दोनों तो इक्वल हैं क्योंकि सेट बिल्डर में आपने देखा है ये ए इक्वल टू बी है, दोनों एलिमेंट्स कॉमन है इसमें, जो रिपीट एलिमेंट्स को अपन लिखते नहीं, क्लियर। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान है। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, मतलब ये तुम्हारा आपका ये जो 1.2 एक्सरसाइज है पूरा से इक्वल सेट और अनइक्वल सेट को डिफाइन करने पर है, दो मिनट में इसको बता दूं आपको मैं 6 नंबर क्वेश्चन, बाकी पार्ट को आप इसका कर सकते हैं खुद से आसानी से। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन मैं कंप्लीट आपको बोर्ड में, 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट बोर्ड में आपको डिस्प्ले है, और यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ओरल बता देता हूँ। देखिए ए क्वेश्चन, ए सेट में आप देखिए 2, 4, 8, 12, बी में 1, 2, 3, 4 और सी में 4, 8, 12, 14, तो एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर लेंगे
और सीधा आप देखिए यहाँ पर बी सेट और डी सेट के एलिमेंट्स सेम है तो इक्वल सेट बी और डी आएगा और ई और जी, ई और जी ये आप देख लीजिए ठीक है, ये दोनों सेट इक्वल है, बाकी सब क्या है अनइक्वल सेट है। तो ये दो एक्सरसाइज का जो हमने क्वेश्चन किया, ये दोनों एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बिना आपको सेट थ्योरी समझ में नहीं आएगा और वन मार्क्स के क्वेश्चन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन इससे कवर होते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करिए, फिर आपको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आपको प्रोवाइड कराया हूँ वो है 1.3 से आगे के क्वेश्चन, और 1.6 आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके, थैंक यू।